हेलो एस्परेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल हैक टू क्रैक बाय बाई सर माय नेम इज याशुचा और आज फिर से हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इियम एंड फ्रेजेस ये पार्ट टू है जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको कराया था जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी उसमें जो टॉपिक था वो हमारा कलर्स था एंड कलर्स में भी फोर पर्टिकुलर कलर्स हम लोगों ने चूज किए थे एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने कवर किए थे इरियामैन फ्रेजेस तो वो चार कलर्स कवर हो चुके थे वो थे हमारे पिंक ग्रे ग्रीन एंड व्हाइट जो चार कलर्स थे वो कवर हो चुके थे बट आज जो आपके लिए थ्री कलर्स लेके आई हूं मैं थ्री कलर्स पे आप लोगों के इडियम एंड फ्रेजेस कवर होंगे जो पहला कलर है दैट इज ब्लू येलो एंड ब्राउन तो इन थ्री कलर्स के ऊपर जितने भी इडियम एंड है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले कलर पे दैट इज ब्राउन और ब्राउन कलर पे हमारा एक ही इडियम है दैट इज ब्राउन स्टडी तो ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है ब्राउन स्टडी का मतलब होता है मेलनकली मूड अकम्पलिश्ड बाय डीप थॉट यानी ऐसा मूड मेलनकली का मतलब क्या होता है मेलनकली मीन्स सैडनेस जो सैड भरी हमारी थॉट्स आती है ना ज्यादा डीप सोचने से कभी आपने देखा होगा कि भाई क्लास चल रही होती है बट एक बच्चा कोने में बैठ के कहीं ख्यालों में खोया हुआ होता है मुझे उसके अंदर डीप थॉट आ रही है एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सैड तो वही थॉट होती है जिसको हम क्या कहते हैं ब्राउन स्टडी ठीक है तो चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं नेक्स्ट ईडियम है हमारा येलो बेलीड येलो बेलीड का मतलब क्या होता है नॉट हैविंग करेज और जो बहुत ज्यादा कावर्डली होता है या जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है जिसके अंदर कोई भी हिम्मत नहीं होती वो फ्रेज हम यूज करते हैं येलो बेलीड के लिए तो कैसे हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं ही इज अ येलो बेलीड ट्रेटर वो बहुत ही ज्यादा डरपोक ट्रेटर है तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अपने नेक्स्ट कलर पे आते हैं दैट इज ब्लू तो ब्लू से रिलेटेड और जितने भी सारे ईडियम्स है वो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अब एन के एग्जाम में मुश्किल से सिक्सटी डेज रह गए हैं तो हम आपके लिए एक आखिरी पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं फोर्टी फाइव डेज का दैट इज़ टारगेट एन डी टू इसमें बेसिकली आप लोगों का 15 सितंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसमें अनुज स्टेट सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे सुमित सर आपको जीएस पढ़ाएंगे मैंग सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बिंदिया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी रेशमा खां मैम और आपको श्याम शर्मा मिलकर पूरा का पूरा साइंस पढ़ाएंगे और मैं जिसको एस और बायोलॉजी कहता है आपको बायो पढ़ाऊंगा अन अकेडमी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो दोस्तों अभी तक पूरे के पूरे अन अकेडमी टीम यानी कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर पूरे डेढ़ हज़ार से ज़्यादा बच्चों उसका सिलेक्शन दिया है तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हो और आने वाले एन डी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो उसके लिए आपको अन अकेडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है जिस जिसपे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं फॉर एग्जांपल वन मंथ का आपको 1600 सौ थ्री मंथ का 4000 थाउजेंड सिक्स मंथ का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हैवा रेफरल कोड इस पर अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा वी आई एच एन एल यू टी एच आर ए इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल टेन परसेंट का भी डिस्काउंट मिलेगा तो ट्वेंटी फोर मंथ का जो आपको मुश्किल से फोर हंड्रेड पर मंथ पड़ रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्री फिफ्टी पर मंथ के आसपास

तो एक ब्लू मून नाम का एक टॉपिक और है ज्योग्राफी में आप लोग उसके बारे में स्टडी करना है मुझे जरूर बताना कि ब्लू मून का वैसे ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होता है ठीक है आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून क्या बोल सकते हैं कि द थिंग्स दैट है वेरी रेयरली ओके तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे आते हैं नेक्स्ट इडियम है हमारा अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या होता है इसका मतलब क्या होता है अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज बेसिकली दैट इज वेरी अनोईंग ऐसी न्यूज आ जाती है जो सडनली एकदम से घटित हो गया और एकदम से हमें न्यूज सुनने को मिली या फिर ऐसी कोई भी हमें खबर सुनने को मिल रही है इवेंट सुनने को मिल रहा है जो दैट इज वेरी अनोईंग जिसे सुनकर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है दैट इज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ठीक है तो नेक्स्ट हमारा एडियम है ब्लू आइट बॉय ब्लू आइट बॉय देखो इसका मतलब क्या होता है द पर्सन हु इज वेरी मच एडमायर्ड एन अथॉरिटी और पूरे अपने आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा मशहूर होता है और बहुत ज्यादा एडमायर्ड किया जाता है अब देखो क्या होता है हमारे इंडिया में मोस्टली लोगों की आईज कैसी होती है दैट इज ब्लैक ठीक है ब्राउन भी बहुत कम केसेस में oh, होती I है बट ब्लू जिसकी आंखें होती है हम उसको देखते नहीं रहते अरे यार आईज तो देखो नेचुरली ब्लू है तो हम उसको एडमायर करते हैं दैट्स हाउ यू कैन लर्न अ बॉय विद अ ब्लू आई यानी ब्लू आईड बॉय विच इज एडमायर्ड वेरी मच ठीक है जी तो चलिए नेक्स्ट वीडियम पे आते हैं नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लू ब्लड ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है मेंबर और अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अपर क्लास फैमिली जो ऊंचे दर्जे की फैमिली से परिवार से बिलोंग करता है उसे हम कहते हैं ब्लू ब्लड ठीक है तो चलिए नेक्स्ट सीडियम पे आते हैं तो नेक्स्ट सीडियम है हमारा बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है देखो डेविल यहाँ पे क्या है शैतान और डीप ब्लू सी क्या है गहरी नदी तो जिसमें अगर आप डूब के मरो चाहे शैतान के हाथों खाए जाओ बोत सिचुएशन आर वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू चूज वन मीन्स दोनों सिचुएशन इक्वली डिफिकल्ट है बट यू हैव टू चूज वन ठीक है एक चीज को आपको चुनना है इस फ्रेज का मतलब ये होता है चलिए अपने नेक्स्ट इडियम पे आते हैं नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा नेक्स्ट ईडियम है बेबी ब्लूज बेबी ब्लूज का मतलब क्या होता है बेबी ब्लूज का मतलब होता है द डिप्रेशन दैट इज कॉज टू न्यू मदर आफ्टर अ बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी जब भी किसी मम्मा का एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसको काफी ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है क्यों क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ पेन होता है जब भी जाहिर सी बात है बॉडी में कुछ न्यू चेंजेस होंगे तो कुछ न्यू पेन होगा न्यू चीजें होंगी बॉडी में जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती एकदम से जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है और काफी भी हो सकते हैं डिप्रेशन के आफ्टर बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी तो इसी चीज को हम कहते हैं बेबी ब्लूज़ ठीक है तो चलिए नेक्स्ट सीडियम पे आते हैं नेक्स्ट सीडियम क्या है हमारा नेक्स्ट सीडियम है फील ब्लू फील ब्लू का क्या मतलब होता है टू तो फील सैड एंड डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा उदास होना या फिर डिप्रेस्ड हो जाना फील ब्लू को हम देखो कैसे याद करते हैं जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो वहां पे जो चोट लगती है वहां पे नील पड़ जाता है ब्लू ब्लू सा हो जाता है ना तो हमें कितना ज्यादा उदासीनता फील होती है कि अरे यार कैसा स्पॉट आ गया है दर्द भी होता है हम डिप्रेशन भी में भी चले जाते हैं कि भैया यार ये क्या हो गया हमारे हाथ में इतना दर्द भी हो रहा है ऊपर से निशान भी पड़ गया है तो दैट इज अ फील ब्लू ठीक है जी तो ये सारे हमारे ईडियम्स थे ऑल थ्री कलर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे के जो भी कलर्स बचे हुए हैं जैसे रेड ब्लैक और भी कलर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे चिल देन अपना ध्यान रखिए बी सेफ टेक केयर एंड जय हिंद बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर मिलते हैं हम अपनी अगली